पुदीने के पत्ते से चबाने से क्या होता है? हालांकि ये पुदीना का पेड़ है, पौधा है जो सभी के घर में होना चाहिए और होता भी है, बहुत लोगों के घर में नहीं भी होता है, लेकिन इसका बहुत ही खास औषधि गुण होता है, इसलिए आपके घर में जरूर से जरूर ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो लगा लीजिए, क्योंकि इसको अनेक फायदे हैं। चलिए मैं इस डिटेल में बताता हूँ इसके फायदे क्या हैं। शरीर को ठंडक देने से मदद करता है, औषधि गुणों से भरपूर पुदीने के पत्ते ठंडी होती है, साथ ही इसके अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं, जो गर्मियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आप पुदीने के पत्तियों के खाली पेट चबाकर खा सकते हैं, इसे पेट की समस्याओं का राहत मिलती है और गर्मियों से तो बिल्कुल ही बचाव होती है। आपको बता दें कि सुबह खाली पेट अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपका बहुत सारा पेट का जो सिस्टम है वो सही रहता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह की बदबू को भी दूर करता है और आपके दांत का भी रक्षा करता है। तो चलिए और कुछ डिटेल में आपको बताते हैं इस पुदीने के बारे में। पाचन के लिए बहुत लाभदायक होता है, एसिडिटी, कब्ज और पाचन जैसी समस्या को पेट से ठीक करता है, शरीर के टॉक्सिन के बाहर निकालने में भी मदद करता है। पुदीने के पत्तों को एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, ऐसे इसके पत्तियां चबाकर खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं और स्किन डिजीज में भी बहुत फ़ायदा करता है ये पुदीना, इसलिए पुदीना को बहुत ही लोग लाइक करता है। हालांकि चटनी में भी यूज़ होता है, गर्मियों में इसकी फूल पत्ती बहुत ही सुंदर फैलती है, हालांकि ये ठंडे जगह पे इसको लगाना चाहिए, जिसे काफ़ी अच्छे मात्रा में बेनिफिट होता है। तो चलिए और किसी इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं, जैसे कि स्किन बेनिफिट्स, त्वचा के दाग धब्बे जो भी हैं मुहासे दूर करने में काफ़ी मदद करता है। हालांकि इसके छोटे छोटे जो पत्तियां हैं, जैसे कि ये इसको तोड़ना है और ये बड़े पत्ते को भी ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसको सुबह खाली पेट चबाकर एक गिलास पानी पी लीजिए ठंडा, बस आपको यही करना है, बाकी सारे प्रॉब्लम इसमें आपके दूर हो जाएंगे। ये बहुत ही इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, इसीलिए लगभग लोग के घर में पुदीना रहता है। देखिए कितना खूबसूरत पुदीना का पत्ता है, इसलिए गर्मियों में इसको बिल्कुल ही लगाना चाहिए और इसका देखभाल कोई खास जरूरी नहीं होता है, ज़्यादा डिटेल में इसको एथी नहीं किया जाता है, आराम से आप पानी देते रहिए और ये खुद ब खुद धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा। एकदम सिंपल है मेंटेनेंस करना, इसलिए इसको जरूर से ज़रूर लगाइए और इसके जितने भी औषधि गुण है उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।